हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने सोचा है छोटी सी निडिल से खूबसूरत सी लेस रिंग बना सकते हैं? बहुत ही सुंदर डीआईवाई लेस रिंग। तो चलिए आज हम इन्हीं सबको बनाते हैं। कुछ नया करने का मन करे तो फटाफट से आप इस तरह से डीआईवाई लेस रिंग बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस तरह से लेस रिंग बनाकर आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। पैच वर्क कर सकते हैं आप, कुशन कवर, पिलो कवर, चादर, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। वॉल डेकोर आइटम बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिरर लेस या फिर रिंग लेस बनाने के लिए कढ़ाई वाला धागा लीजिए, कोई भी कलर ले सकते हैं। उंगली में इस तरह से लपेटना है 8 से 10 बार। उसके बाद निडिल को डालना है उंगली के बीच में, धागे के बीच में, और निकाल लेना है। पूरे धागे को निकालने के बाद बीच में इस तरह से आप निडिल को डालिए और खींच लीजिए। जब आप धागे को खींचेंगे ना तो एक नॉट बन जाएगा, जैसे आप बटन के लिए काज बनाते हैं ना, वही वाली स्टिच इस रिंग में करनी है। चलिए फटाफट से रिंग बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ना, हमारी ये रिंग बनके तैयार हो गई है। इसको बनाने का कई तरीका है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं मोती लगाकर आपको बताने वाली हूँ कैसे इसमें मोती लगा सकते हैं, कैसे आप कढ़ाई करके इसको पैच वर्क भी बना सकते हैं। अगर आपको कढ़ाई बिल्कुल नहीं आती तो भी इसे बना लेंगे बहुत ही आसानी से। इस मिरर रिंग को बनाना बहुत ही आसान है। लीजिए, हमारा ये तैयार हो गया है एक। इसी तरह से आप कई कलर में आप बनाकर पैच वर्क कर सकते हैं, कुशन कवर या पिलो कवर में। मैंने बहुत सारे कलर में बनाए हैं और कुछ तो मैंने यूज कर लिए हैं। अब मिरर रिंग बनाने का दूसरा तरीका है, इसमें हम लगाएंगे मोती। कढ़ाई वाला मोटा धागा है, सुई धागे वाला जो धागा होता है ख़त्म होने के बाद जो बीच में बचता है ना उसका रोल, वही मैंने ले लिया है। उसमें मैंने इसको लपेटा, कई बार लपेटना है, 8 से 10 बार लपेट लेना। जैसे मैंने उंगली में बनाया था ना रिंग, उसी तरह से इसमें लपेटना है। बस फटाफट से निडिल डालना है, उसी तरह से हमें पहले रिंग बनाना है। तो फटाफट से हम रिंग बनाएंगे। इस तरह से निडिल को डालेंगे धागे के बीच में और इस तरह से नॉट लगाएंगे क्रॉस करके। इसी तरह से नॉट लगाना है, फटाफट से नॉट लगा लेंगे। मुझे तो बड़ा आसान होता है उंगली में लपेट के बनाना, फटाफट से बन जाता है। इस तरह से आप बनाएंगे, आपको जैसे भी आसानी हो आप बना सकते हैं। इस तरह से रोल लेकर बना सकते हैं आप, उंगली में लपेट कर बना लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मैं अब इसको रोल से निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे उंगली से बनाना बहुत ही आसान होता है और फटाफट से बन जाता है। इस तरह से आप नाखून में फंसा लीजिए, उंगली में फंसा लीजिए और निडिल को डालते जाइए, फटाफट से नॉट लगाते जाइए। चलिए इस रिंग को बना लेते हैं, उसके बाद हम मोती लगाना आपको बताएंगे। रिंग बनके तैयार हो गया है, चलिए नॉट लगा लेते हैं। नॉट नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएगा। नॉट लगाना आखिरी में बहुत ज़रूरी है, गांठ लगा दीजिएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं ढेर सारे गोल्डन मोती। आप किसी भी कलर की मोती ले सकते हैं, कोई भी कलर का धागा ले सकते हैं, अपनी पसंद की आप मिरर रिंग बना सकते हैं। मोती को हम इसी तरह से निडिल में डाल देंगे और फटाफट से नॉट लगाते जाएंगे रिंग में। किनारे में बॉर्डर जिस तरह से बना हुआ है ना, उसी बॉर्डर में एक एक हम निडिल से नॉट लगाते जाएंगे और मोती को भी लगाते जाएंगे। चारों तरफ से मोती हमें लगा लेना है। मोती लगाने के बाद बहुत ही सुंदर हमारा रिंग बन के तैयार हो जाता है। जहाँ भी आप लगाएंगे, पैच वर्क करेंगे या फिर कढ़ाई करेंगे या चिपका कर बनाएंगे, बहुत ही सुंदर एक फ्लावर जैसा हमारा ये रिंग बन के तैयार होता है। मोतियाँ मैंने सब लगा ली, आखिर में हमें एक नॉट लगानी है ताकि हमारी मोती निकले नहीं। अब मोतियों के बीच में निडिल डालते जाएंगे, इस तरह से धागे को खींचते जाएंगे। तो चारों तरफ हम मोतियों में धागे डालकर खींच लेंगे और एक नॉट लगा लेंगे ताकि हमारी मोती एक साइज की हो जाए और हमारा ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर जैसा मिरर रिंग तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं ना कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से बनाकर आप राखी भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर बना है। आप देख सकते हैं ना, इसके बीच में एक मिरर चिपका दीजिए। ढेर सारी राखियां भी बना लीजिए अपने भाइयों के लिए। पैच वर्क कैसे करना है इस मिरर रिंग से, चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। तो मैंने लिया है एक फ्रेम, आप किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, और कॉटन का कपड़ा ले लीजिए कोई भी कलर का हो। तो मैंने व्हाइट कलर का फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेम के बराबर ही है, थोड़ा सा बड़ा है। मिरर को हम चिपकाएंगे पहले। आप इस तरह से मेरे चिपका कर लगाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आप कोई भी इसमें से रिंग ले सकते हैं, तो मैं मोती वाला ही रिंग लेने वाली हूँ।
और उसी से बताएंगे कि कैसे बनाना है। एक फ्लावर की तरह से आप बना सकते हैं, एक फ्रेम बना लीजिए इस तरह से। आप वॉल डेकोर आइटम बना सकते हैं इस पर, इस तरह से चिपका कर बना लीजिए या फिर आप टांके लगाकर बना लीजिए। मुझे टांके लगाकर बनाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी आप इसे टांके लगाकर बनाएंगे ना, गंदा होने के बाद इसे वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने मिरर चिपका दिया है बीच में। अब मोती वाला मैंने ले लिया है रिंग। बस रिंग इस तरह से आप रखिए, हाथों से पकड़ लीजिए, नीचे से निंडिल से आप टांके लगाते जाइए फटाफट से। चारों तरफ से टांके लगा लेंगे तो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये तैयार हो जाएगा एक फ्लावर। अब ग्रीन धागे को निंडिल में डाल देंगे और नीचे से हम इस तरह से चेन स्टिच बना लेंगे या फिर कच्चा कर लेंगे या फिर इस तरह से तुरपाई वाला सिलाई जैसे करते हैं ना कर लेंगे, एक डाल बना लेंगे। उसके बाद जो मैंने रिंग बना के रखी थी ग्रीन कलर की, इसकी पत्तियां बना लेंगे। तो कितना सुंदर सा हमारा एक बॉल डेकोर आइटम बनके तैयार हो जाएगा। आप देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। सब में मैंने निडल्स एंड टाँके लगा दिए ताकि हमारा ये गंदा हो तो मैं इसे साफ कर सकूँ। और ऊपर से आप चाहें तो बहुत सारे कलर में फ्लावर बना सकते हैं, इस तरह से टांके लगा दीजिए या फिर आप चिपका लीजिए, जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। मैंने कई तरीके आपको बताए हैं, इसे मेरे पसंद से कोई भी तरीके से कर सकते हैं। और पीछे से जितने भी कपड़े हैं ना इसके फ्रेम के, चारों तरफ से हम नॉट लगा देंगे। ये सुंदर सा हमारा वॉल डेकोर आइटम बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ना, ब्यूटीफुल वॉल डेकोर आइटम बनके तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, उससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।